सबसे पहले जो स्वागत है Zoom टेलीटॉक पर कैसे हैं आप सब और कुछ बताइए कैसे बहुत अच्छा झक एकदम झक्यास एकदम तैयार है छलांग <laughs> लगाने के लिए एकदम एक्साइटेड है बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है पर खुशी बहुत हो रही है कि फाइनली छलांग ऑन एयर आने वाला है नहीं हम कुछ झांसी के इसमें बोल देते हैं हां जिस जिस छलांग के लाने हम इतनी देर से राह देख रहा हूं तो तो अब उसका समय आ गया है जय है नमस्कार मेरा नाम संजीव जोटंगिया है और इस शो में सपनों की छलांग में मेरा किरदार है राधे श्याम यादव का झांसी से बिलोंग करते हैं छोटे शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार है जॉइंट संयुक्त परिवार है और हमारा एक समोसा भंडार है यादव समोसा सेंटर और जहाँ पे मैं मेरे बड़े भाई और उनके उनका बड़ा बेटा हम लोग वहाँ काम करते हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं एक कंडीशनिंग के साथ बड़े हुए हैं कि हमें कैसे अभाव में अपने स्वभाव को बदल के उसके अनुरूप हमें जीवन जीना चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम आज के ज़माने की सोच भी रखता है राधे श्याम के बेटी जो है बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए एजुकेशन का राइट सबका है तो वो राधिका को बहुत सपोर्ट भी करते हैं पढ़ाई को लेकर क्योंकि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि बहुत होशियार है तो वो सपोर्ट में आगे जाके जब बात यहाँ आती है कि इसे अपॉर्चुनिटी बॉम्बे में मिलेगी तो यहाँ पर राधे श्याम जो है वो डर जाते हैं कंसर्न हो जाते हैं उन उनकी सोच ये थी कि लड़कों का दूसरे शहर जाना ओके है लेकिन लड़कियों को कैसे भेजें उनकी सेफ्टी भरोसा नहीं होता तो ऐसे में जो राधिका की माँ है सुमन वो कन्विंस करती है राधे श्याम को कि हमें अपनी अपब्रिंगिंग पे भरोसा रख के अपने बच्चों के सपनों पे भरोसा रख के उसे छलांग लगाने देना चाहिए सो ओवर टू द छलांग गर्ल नो आई वुड लाइक नमस्कार मेरा नाम है कशिश दुग्गल और सपनों की छलांग में मैं सुमन यादव का किरदार निभा रही हूँ जो कि राधिका यादव की माँ है तो सपनों की छलांग में और जो सुमन है वो एक ग्रेजुएट है पढ़ी लिखी महिला है और वो टीचर बनना चाहती थी जो वो नहीं बन पाई उसने अपनी इच्छा अपने पति से बताई थी शादी के बाद क्योंकि शादी हो जाती है जैसा भी तो उसको लगा कि वो समझेंगे वो चाहते थे वो काफ़ी समझदार भी हैं प्यार भी करते हैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। बट ओवरलुक कर गए उन्होंने इतना उस चीज़ को तवज्जो नहीं दिया और सुमन भी अपने घर परिवार गृहस्थी में इतनी बिजी हो गई कि उसको लगा शायद अगर वो नहीं ध्यान दे रहे हैं तो कोई बात नहीं बट उसके मन में ही हमेशा मलाल रहा कि मुझे करना है आप जब वो देख रहे हैं कि उसकी बेटी एक इंजीनियर बन गई है और उसके भी अपने सपने हैं इच्छाएं हैं लेकिन परिवार के चलते वो उनको सप्रेस भी कर रही है कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा शेयरिंग चल रही है कि मैं ये करना चाहती हूँ परिवार के लिए करना चाहती हूँ तब सुमन को लगता है कि जो मेरे साथ हुआ मेरी बेटी के साथ नहीं होगा और उसके लिए चाहे मुझे फ़ाइट ही क्यों नहीं करनी पड़े घर में समझाना ही क्यों ना पड़े अपनी बात को कैसे भी रखनी पड़े और वो वो स्टेप लेती है अपनी बेटी के लिए तो वो मेरी भी सपनों की छलांग है अपनी बेटी के साथ जब वो उसको रज़ामंद कर पाती है परिवार को कि उसकी बेटी दूसरे शहर जाएगी और वो इतनी काबिल है और वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएगी मम्मी ने मेरे तरफ से काफ़ी कुछ कह दिया है पर मेरा नाम मेघा रे है और मैं राधिका यादव का किरदार निभाने वाली हूँ राधिका आज की लड़की है वो एक अचीवर है बहुत हार्डवर्किंग है मेहनती है वो स्कूल की टॉपर रही है हमेशा अब वो यूनिवर्सिटी टॉपर बन चुकी है और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जॉब परस्यू करना चाहती है जो कि मुंबई से उसे वो अपॉर्चुनिटी मिली है अब राधिका जैसे कि पापा ने कहा कि हमारा समोसा भंडार है तो नेचुरली हम फाइनेंशियली उतने स्टेबल हैं नहीं प्लस आफ्टर कोविड बहुत प्रॉब्लम्स रही है फैमिली में फाइनेंशियली हमने एक लोन ले रखा है जो हम पूरा चुकता नहीं कर पा रहे हैं और बहुत से ऐसे छोटे छोटे फाइनेंशियल इशूज़ है जो घर के लड़के जो घर के मर्द मिलके सॉल्व करना चाह रहे हैं लेकिन राधिका को पता है कि एक लिमिट है उस उस चीज़ों को सॉल्व कर पाना झांसी में रह के उसे ये जो मुंबई से अपॉर्चुनिटी मिली है वो इस सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और वो उसकी यही प्रायोरिटी है कि, कि किसी और को स्ट्रेस ना लेना पड़े क्योंकि मुझ में वो एबिलिटी है वो 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 इंटेलिजेंस वो हार्ड वर्किंग एबिलिटी वो हम एक अच्छे कोडर है कोडर्स की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं वो हर एक कोडर अपने प्रोग्राम में से एरर्स निकालता है और फाइनल आउटपुट एरर फ्री करने की कोशिश करता है और राधिका का लाइफ में भी यही अप्रोच है कि वो आ, सब कुछ एरर फ्री करना चाहती है अगर वो कुछ अचीव करना चाहती है उसका जो गोल है वो उसे इस तरीके से अचीव करेगी कि कोई एरर्स ना बचे ना वो रिबेल नहीं करेगी अपने पेरेंट्स से उस चीज़ को आ, उन्हें मनाने के लिए वो हर चीज़ एक सल्यूशन वो लिटरली जब पापा उसे मना कर देते हैं मुंबई जाने से तो वो स्टडी रूम में जाके एक फाइल बनाती है लिस्ट बनाती है प्रोज एंड कॉन्स की मुंबई जाने की ताकि वो सबको ऑन बोर्ड ले सके इस डिसीजन पे तो आई uh, थिंक वो बहुत एडमायरेबल क्वालिटी है राधिका की कि वो uh, उसमें वो पैशन है वो जज्बा है अपने सपनों को पूरा करने का लेकिन वो uh, अपने एथिक्स अपने कोड्स को ब्रेक करके नहीं करेगी वो एक ऐसे तरीके से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेगी जिससे मैक्सिमम बेनिफिट पॉसिबल हो तो uh, वो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है राधिका का सेक्ट ली राधे का चेंज में बिलीव करती है वो प्रोग्रेस करना चाहती है वो ये बिलीव करती है कि चेंज के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने फैमिली से अपने रूट से इतनी क्लोज है तो उसका ये जो जर्नी फ्रॉम झांसी टू तो मुंबई रहेगा जहाँ वो चेंज को अडेप्ट भी कर रही है बिना अपने रूट्स को छोड़े वो कैसे वो मैनेज कर पाएगी वो डेली लेवल पर वो जो चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए देखो सो ये कहानी जो जो है 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 की की फैमिली अपने सपनों सपनों को लेकर मुंबई आते हैं बड़े शहर आते हैं आपसे सवाल आप तीनों से, से यही सवाल है कि जब आपने इस कहानी को सुना आपका क्या रिएक्शन था उस समय और कितना आपने पसंद किया था इस कहानी को well, uh... ये स्टोरी और इसकी यूनिकनेस ये थी कि जब क्योंकि टेलीविजन शोज़ में जनरली आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटीज़ होती हैं बॉय मीट्स गर्ल दैट दो फैमिलीज़ एंड ऑल दैट बट इसमें एक बहुत यूनिकनेस ये था कि सोशली बहुत ही स्ट्रॉग पॉइंट हम समाज के आगे रखना चाह रहे थे और ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसका हिस्सा बनना ही बनना है क्योंकि अगर हम हमारे पोर्ट्रियल के जरिए दूर छोटे शहर में किसी यादव परिवार में किसी की सोच हम बदल सकते हैं फॉर द बेटर तो आई थिंक आवर छलांग इज वर्थ इट सो स्टोरी की यूनिकनेस प्लस कैरेक्टर्स और अवर प्रोड्यूसर्स हेरम जी एंड नीलांजना जी एंड आवर डायरेक्टर आरिफ सर तो द टीम प्लस अवर को एक्टर्स ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड के वी वी नीड टू टेल दिस स्टोरी मेरा जो रीज़न था इसको एक्सेप्ट करने का uh, मैं इस कैरेक्टर में अपनी मदर को देख रही थी क्योंकि uh, मैं अपने आप को राधिका में और इस कैरेक्टर में अपनी माँ को देख रही थी क्योंकि uh, मेरी मदर भी वर्किंग है और uh, इसमें सुमन वर्किंग नहीं है बट मेरे मैं बचपन से देखा है कि मम्मी पापा जॉब करते थे और आ, कैसे मम्मी ने मुझे जॉब में जाते हुए और मेरे दो बड़े भाई बहन कैसे हम सबको संभाला सब कुछ संभालते हुए अपने करियर को संभालते हुए मुझे दूसरे शहर जो सबसे छोटा बच्चा घर का जो सबसे प्रोटेक्टेड था फियर भी था बहुत ही डिपेंडेंट टाइप का बच्चा था मम्मा मम्मा वाला बच्चा एक्टर था लेकिन फिर भी डिपेंडेंट था कि फैमिली उसको अपने से दूर करना अपने से दूर भेजना इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी होना इट टेक्स अ लॉट इट टेक्स अ लॉट तो मुझे लगा कि मैं अपनी मम्मी की कहानी सुन रही हूँ और अपनी कहानी सुन रही हूँ तो मुझे लगा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता मिल सकती इतनी रियलिस्टिक जहाँ पे हीरो hero, हीरोइन की लव स्टोरी का सिर्फ वही एक फ़ोकस नहीं है जहाँ लड़ाइयाँ फोकस नहीं है जहाँ एक आप रूटीन डेली लाइफ की बात कर रहे हैं चैलेंजेस की बात कर रहे हैं बढ़ने की बात कर रहे हैं कन्विंसिंग की बात कर रहे हैं एक आ, फैमिली एस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं आप आई थिंक आई हैव गूज मम्स ये हमें अभी तक आई डोंट थिंक हमने ये शो में कहीं पे देखा है आई थिंक हर एक इंसान uh, इस चीज़ से रिलेट कर uh, सकता है और कर पाएगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी किरदार में वो अपने आप को ढूंढेगा और पाएगा सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द शो और uh, कोई रीज़न ही नहीं था इसे ना कहने के लिए हाँ uh, या yeah, कोई रीज़न नहीं था इसे ना कहने के लिए नॉर्मली डेली सोप्स में लड़की की विदाई होती इसीलिए क्योंकि वो शादी करके जाती है यहाँ लड़की की विदाई इसीलिए हो रही है क्योंकि वो अपने करियर को परस्यू करने जा रही है आई थिंक दैट मैसेज स्पीक्स लाउड एंड क्लियर दैट वी वॉन्ट टू शो समथिंग जो uh, अब तक टेलीविजन में नहीं दिखाया गया है हम सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करना चाहते हैं हम आ, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी दिखा रहे हैं कि आ, जैसे कि हर स्टोरी नॉर्मली बेस्ड ऑन लव स्टोरीज होती है एक हीरो हीरोइन लेकिन एक लड़की के लाइफ में उसके ऑपोजिट जो भी आता है जो उसके पार्टनर्स आते हैं वो पार्टनर्स होते हैं वो हीरो नहीं होता वो उसके लिए सब कुछ नहीं कर देता है हम सब भी अपने करियर्स में हम जो कर रहे हैं हम हम अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से हम अपनी अपब्रिंगिंग के वजह से और हमारे खुद के वैल्यू सिस्टम और हार्डवर्क के वजह से कर रहे हैं तो जो बाकी लोग आते हैं वो इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं वो आपको आगे पुश भी करते हैं लेकिन वो आपकी कहानी है वो कहानी किसी और की नहीं है और आपको हर वक्त आके कोई बचाने नहीं वाला है आप ख़ुद को बचाने वाले हो और यही चीज़ मेरे दिल को छू गई कि मैं एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने वाली हूँ जहाँ कहानी का हीरो कहानी ही है और uh, कोई आके मुझे बचाने नहीं वाला है मेरे इट्स इट्स अ वेरी रियल स्टोरी आई कुड रिलेट एज अ पर्सन एज माई सेल्फ एज मेघा आई कुड सी माई सेल्फ इन राधिका एंड आई नो दैट हर एक इंसान जो अपने एम्बिशन के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करना चाहता है वो इस कैरेक्टर से इस कहानी से हर लेवल पे रिलेट कर पाएगा And uh, the makers, the writers have done an incredible job of paying attention to these details in a person's life, and having the oh, sorry <laughs> my bad, having uh, the confidence and the guts to bring uh, a unique story like this forward without worrying about the results or the TRPs or anything as such. Yeah. तो क्या आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने सुना कि आप इस तरह के कैरेक्टर निभाने निभा रहे हैं बहुत खुश थे आई थिंक मेरे मॉम डैड तो मेरे कांस्टेंट सपोर्टर्स और क्रिटिक्स रहे हैं और जब से मैंने एक्टर बनने का डिसीजन लिया है आ, शुरुआत में भले ही उनके जो भी कंसर्न्स थे वो धीरे धीरे मेरा मेहनत और आ, मेरी मेहनत और मेरे स्ट्रगल देके वो समझ रहे हैं कि ये कुछ गलत तो नहीं करेगी ये ये जो भी डिसीजनस ले रही है सोच समझ के ले रही है और मैं हर चीज़ अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती हूँ अगर मुझे मैं कहीं फंस जाती हूँ कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हर लेवल पे जो डिस्कशंस होती है मैं अपने फैमिली के साथ वो करती हूँ तो वो बहुत खुश थे मेरे एक्साइटमेंट को देख के कि मैं एक स्टोरी को लेके इतनी एक्साइटेड हूँ कि कभी कभी माई मॉम लाइक्स टू स्टे अपडेटेड विद एवरी थिंग दैट्स गोइंग और मैं जहाँ भी जाती हूँ वो वो चीज़ों मतलब उस इंडस्ट्री को के रिलेटेड सब चीज़ वो मुझसे ज़्यादा जानती है टेलीविजन इंडस्ट्री के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है तो वो कभी कभी बोलती है अरे दूसरे लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं दिस दैट बट शी ऑल्सो रियलाइजेज दैट आई एम डिफरेंट आई आई डोंट वॉन्ट टू बी समवन फ्रॉम द क्राउड एंड जब उन्होंने देखा मेरा एक्साइटमेंट सिर्फ स्टोरी को लेके इतना है तो वो बहुत खुश हुई कि uh, उन्हें वो फील हुआ कि इसकी प्रायोरिटीज इस राइट प्लेस में है तो वो भी वो भी पेरेंट्स बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस ब्यूटीफुल शो ऑन सोनी टीवी आई वांट टू रियली अप्रिशिएट द चैनल फॉर ब्रिंगिंग फोर्थ कॉन्टेंट जो इतना अलग है बाकी सारे जगहों से वो 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 कट्स रखते हैं वो वो विजन रखते हैं कि हमें ऑडियंस तक कुछ यूनिक पहुंचाना है विद अ गुड मैसेज विदाउट कोई फोर्स्ड ड्रामा नहीं डालना है अपने कंटेंट में जो कभी होता नहीं है रियल लाइफ में uh, हर रोज घर में आग नहीं लगती तो नहीं लगती <laughs> तो ये सारी चीज़ें आई थिंक सोनी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब नॉट जस्ट इन द फिक्शनल डिपार्टमेंट इवन इन द नॉन फिक्शनल डिपार्टमेंट आई थिंक अगर मैंने कभी कोई शो देखा है तो मैंने सोनी टी वी देखा है खास करके So, uh, even in my family, I think I, I, I like I was watching Master Chef now. So I mean, it's just Sony has that uh, that class and that quality. I think I really want to appreciate the channel for that. Right from the beginning. Yeah. I, I Always. I've been uh, Working since Bhawar days. So yeah. I know Bhavar was when I was in Delhi I, as a child. Incredible Bhawar. So she doesn't know. So it is that old <laughs> and Bhawar was very unique. Yeah. yeah. It was very realistic, and I remember having no makeup quote for the real stories. I'm extremely overwhelmed with the response that the fans have given uh, to the promo. आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोमोज दैट वी हैव बिन लेटिंग आउट क्योंकि दे आर अनलाइ एनी यूजल डेलीस ऑफ प्रोमोज एंड आई स्टॉप कॉलिंग इट अ प्रोमो इट्स अ ट्रेलर एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक हाउ ट्रेलर शुड बी तो आपने जो रिस्पॉन्स दिया है हमें हमें बहुत उसे इंकरेजमेंट मिल रही है हम बहुत एक्साइटेड है जब से प्रोमो बाहर आया है जितना फैन रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो हमें इतना थकने के बावजूद भी और मोटिवेट कर रहा है मेहनत करने के लिए सो थैंक यू सो मच फॉर रिलेंटलेसली सपोर्टिंग अस फॉर ऑलवेज पुटिंग फोर्थ द फैक्ट दैट यू आर सो हैप्पी दैट वी आर ब्रिंगिंग सम कंटेंट दैट यू आर एक्साइटेड टू वॉच तो इसीलिए मैं दिल से आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ आप लोग नहीं आप सबसे कहिए अपने परिवार वालों से कहिए अपने दोस्तों से कहिए सपनों की छलांग देखने के लिए क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो आप सब इससे रिलेट करेंगे और ज़रूर आप अपने साथ कोई थॉट्स यहाँ से लेकर जाएंगे तो प्लीज़ टेंथ अप्रैल से मंडे टू फ्राइडे देखेगा सपनों की छलांग फैंस से हम यही कहना चाहते हैं कि आँ... सोनी Entertainment टेलीविज़न हमेशा से पाथ ब्रेकिंग शोज लाता रहा है जैसे अभी इन्होंने कहा भंवर के बारे में और इनके बहुत सारे शोज हैं आप तो सब जानते ही हैं सो so, ये जो हमारी कोशिश है एक स्लाइस ऑफ लाइफ शो आपके लिए हम जो ला रहे हैं जहाँ पर एंटरटेनमेंट आपको भरपूर मिलेगा लेकिन बहुत सारी सच्चाई के साथ बहुत सारे रिलेटेबल क्वेश्चंस के साथ सो so, इसे ज़रूर देखिएगा आप लोगों के साथ और प्यार से हम छलांग मारते रहें यही हम दुआ करते हैं आ, तो जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं बहुत रियलिस्टिक शो है हम चाहते हैं कि आप इसे देखें सराय क्योंकि आप इसे रिलेट कर पाएंगे यह आपकी कहानी है सिर्फ हमारी नहीं आई थिंक आप सब हमसे इतफाक रखेंगे जब हम शो लेकर आएंगे तो देखते रहिएगा सपनों की छलांग मंडे टू से दस अप्रैल से